हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो सीसीएस यूनिवर्सिटीज के एग्जाम, एनुअल एग्जाम से रिलेटेड डिसीजन आ चुका है और वो डिसीजन ये है कि अब सभी स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे, कोई भी एग्जाम नहीं होगा सीसीएस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे। मैं ये दिखा रही हूँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमोट होंगे सभी छात्र, पर कैसे ये है नहीं। सो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी छात्र प्रमोट होंगे, बट बीबीए बीसीए के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम के लिए निकाले हुए हैं। अगर उन्हें प्रमोट करना था तो एग्जामिनेशन फॉर्म निकाले ही क्यों, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी छात्र प्रमोट होंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ क्लासेस होंगी जिनके एग्जाम कराए जाएंगे। सो अभी यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए बीसीए के लिए कुछ भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, बीकॉम के ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं तो उनका तो समझ में आता है कि पिछले एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पर उन्हें प्रमोट किया जा सकता है, बट जिनके एग्जाम अभी तक हुए ही नहीं है उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। एक मीटिंग कमेटी गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे कुलपति यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन के तनेजा। उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि हाँ, स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे। जूम ऐप पर उनकी मीटिंग हुई थी जहाँ पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि स्टूडेंट प्रमोट किए जाएंगे, बट किस पद्धति से करे जाएंगे, कौन सी योजना का प्रयोग किया जाएगा उन्हें प्रमोट करने के लिए, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ क्लासेस की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएंगी। अब वो परीक्षा कैसे होंगी, ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ क्लासेस की परीक्षा रद्द नहीं की जाएंगी, बट जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जैसे कि बीकॉम की, हो सकता है रद्द हो जाए आगे आने वाली परीक्षा। जो अभी तक हुई ही नहीं है जैसे बीबीए बीसीएससी, इनकी एग्जाम अभी तक हुए ही नहीं है तो उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। सो बीबीए बीसीए मेडिकल, इनके भी एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे ये अभी निर्णय आना बाकी है। आने वाले 1 to 2 days में ये एक डिसीजन आ जाएगा। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, यानी कि 30 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आने वाले 1 या 2 दिन में इससे रिलेटेड डिसीजन क्लियर हो जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स की, किन क्लासेस की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी एंड किन क्लासेस की होंगी। अब वो जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी या फिर ऑफलाइन होंगी, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बीबीए बीसीए के एग्जामिनेशन होने ही नहीं थे तो एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों निकाले गए। काफी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 1st of July है, यानी कि कल। सो ये डिसीजन आना अभी बाकी है। आशा करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही होगी। जुड़े रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।